कन्नौज में देर रात हुई झमाझम बारिश से सभी सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहर में ड्रेनेज का इंतजाम नहीं होने की वजह से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कन्नौज नगर में हुई झमाझम बारिश के चलते निचले स्थानों पर पानी भर गया। माध्यमिक विद्यालय के सामने से बच्चों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। इसके अलावा नगर के दूसरे स्थानों पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इस संबंध में परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष जाट और उपयंत्री विवेक बेलिया ने बताया कि नगर के कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति ढलान वाली होने के कारण पानी जमा हो जाता है। इस समस्या के स्थायी हल के लिए नगर परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही इस समस्या से नगर वासियों को निजात मिल सकेगा। स्कूल का पूरा प्रांगण जलमग्न हो गया है, बच्चों को निकलने में काफी तकलीफ हो रही है। सतवास रोड जो बनी है, रोड ऊंची होने से हमारा प्रांगण नीचा है, उसके कारण जल की निकासी नहीं हो रही है। इसके संबंध में नगर पंचायत को दो बार हमने ज्ञापन करा दिया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है और बच्चों को शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।